ग्रासिम के नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, नतीजे अच्छे नतीजों का अनुमान था, नंबर्स भी पॉजिटिव आए हैं। इनफैक्ट हमारे अनुमान से भी नतीजे जो हैं अच्छे आते हुए दिखे हैं। कंपनी के रेवेन्यूज़ की अगर बात करें, 4,933 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू 6,750 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, जबकि अनुमान 6,648 करोड़ का लगाकर हम चल रहे थे। 35% की बढ़त का एक्सपेक्टेशन थे, 37% कंपनी के रेवेन्यूज़ बढ़े हैं। मुनाफे के फ्रंट पर 947 करोड़ से कंपनी का मुनाफा जो है 964 करोड़ पर बढ़ता हुआ, जबकि एक्सपेक्टेशन हम 950 करोड़ के लगाकर चल रहे थे। मार्जिन पर डिप एंटिसिपेटेड था, क्योंकि लगातार हमने देखा है ग्लोबल प्राइसेस जो कमोडिटीज की नजर आई है उसी के चलते मार्जिन्स पर ऑन क्यू ऑन क्यू बेसिस वाई ऑन वाई बेसिस स्टैंड अलोन नतीजे में डिप दिखना था और वो दिखा भी है। 18% से मार्जिन्स घटकर 14% पर आते हुए दिखे हैं। और साथ ही नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट, वॉल्यूम्स भी अजय हम यही मानकर चल रहे थे चाहे VSF सेगमेंट हो या केमिकल सेगमेंट हो अच्छे हैं, और इसी के चलते एक कैपेसिटी एक्सपेंशन एक बड़ा ट्रिगर है, नतीजे अच्छे आए हैं और स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है। लेकिन मानसी अगर आप देखें ना बाकी सारे सीमेंट काउंटर्स या ग्रासिम को अगर आप जो थोड़ा होल्डिंग कंपनी भी है ऑफ कोर्स, इसका एक साल का ग्राफ लेके आइए, ये स्टॉक बहुत अंडर परफॉर्म किया है कंपेयर टू अदर सीमेंट काउंटर्स। एक साल का ग्राफ लेके आइए डेटा साहब, ये 1600-1800 नीचे में 1600-1515 और ऊपर में 1750 पे टॉप है, ये तो आज का है। ये देखिए, हाँ ये नीचे में मई जून अभी का जो लो अगर आप देखें वो हटा दीजिए तो एक रेंज दिखाई देगी आपको और ये रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा, एक बड़ा डिप यस राइट जून में ही इसने देखा है। उसके अलावा ये नीचे में 1600 ऊपर में 1900 निकलेगा क्या बाकी सीमेंट काउंटर्स के साथ, क्या ये भी आउट अपने रेंज के बाहर ब्रेकआउट होगा क्या? तो ऑलमोस्ट अजय जी स्टॉक में देखें तो 1800 इसके लिए एक स्टीप रेजिस्टेंस जैसा काम करते हुए दिख रहा है। मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट जरूर लिए स्टॉक ने लेकिन वहां से हर बार प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, लेकिन हमें लगता है स्टॉक में अभी जो पिछले 7-8 वीक का जो कंसोलिडेशन हुआ है उसमें ये क्लियरली लगता है कि स्टॉक में जैसे ही 1760 के लेवल क्रॉस होंगे एक स्टॉक अच्छी अपमूव यहाँ से डिस्प्ले करते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल सेटअप तो ग्रासिम के पॉजिटिव है और हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति तो बिल्कुल यहाँ पे रखना ही चाहिए, लेकिन अगर किसी को ब्रेकआउट का वेट करना है 1760 इसके ब्रेकआउट लेवल है, वो जैसे ही ब्रेकआउट होंगे तो स्टॉक में एक अच्छी बड़ी तेजी जो कि इसको फिर 1850 इवन 1900 की तरफ भी लेके जा सकती, तो एक काफी बड़े कंसोलिडेशन रेंज पे हायर बैंड की तरफ ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि ये कब ब्रेकआउट करता है, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि इसमें बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे तो काफी अच्छे रिटर्न आने वाले हफ्तों महीनों में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको उम्मीद है कि ये रेंज का ब्रेकआउट करेगा।